अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुंडली। मैं उरूज और हमारे साथ कुंडली के एंड माइंड साइंसेज के एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोइज हुसैन। आई होप आपको हमारे पिछले एपिसोड बहुत पसंद आए होंगे, जिसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस लाए थे, और आई होप हमारे नाज़रीन अपनी जिंदगी को उन किसी से रिलेट कर सकते होंगे और हमारे सोल्यूशन को उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाया होगा। इसी तरह आज भी हम एक बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही डिफरेंट केस के साथ आए हैं, लेकिन उस केस पे जाने से पहले मेरा आपसे और प्रोफेसर डॉक्टर मोइज से सिर्फ एक सवाल है कि प्यार क्या बांटा जा सकता है? जी, माँ का प्यार जो है वो एक वाहिद प्यार है कि जो जितना भी बांटा जाए कम नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे इंसानी रिश्ते हैं जहाँ प्यार बांटा जा सकता है, मगर कुछ इंसानी रिश्ते ऐसे हैं कि उन रिश्तों में प्यार करने वाला जिससे प्यार करता है उसके बारे में वो पोजेसिव हो जाता है, उसे अपनी जाती मिल्कियत समझता है, और जो चीज अपनी जाती मिल्कियत हो वो नॉर्मली आप किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो जानते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद जानते हैं कि ऐसे कौन से रिश्ते हैं जिनके अंदर हम अपना प्यार नहीं बांट सकते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। और कुंडली में आज हमारे साथ एक नया कपल है, एक नया केस है। जानते हैं कि इनके रिश्ते में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज वो यहाँ है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मिसेस काशिफ, कैसे हैं आप लोग? जी वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिस्टर काशिफ, आज आप अपनी वाइफ को यहाँ लेकर आए हैं, मैं जानना चाहूंगी क्या रीजन है, क्या ऐसी वजह है कि जो आज आप इस हद तक आ गए हैं कि अपनी वाइफ को आप यहाँ तक लेकर आए। बात यह है कि मैं एक कंपनी में एज ए मैनेजर काम करता हूँ, और हमारी शादी को तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। अच्छा, 15 साल हो चुके हैं जी। और हमारी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही थी, और ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारी लव मैरिज थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और शुरू में बहुत ही अच्छे तरीके पे हमारी ज़िंदगी का स्टार्ट हुआ, लोग देखकर रश्ट करते थे हमारी जोड़ी को, और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। सबसे पहले प्रॉब्लम उस वक्त पेश आया जब शादी के 6 महीने के बाद एक मिस कैरेज हुआ, और इन्होंने उसे बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिया। ठीक। और बहुत ज्यादा इनकी तबीयत अपसेट रही, और काफी दिनों तक ये दोबारा नॉर्मल नहीं हुई। मैंने उस दौरान पूरी केयर की इन्हें वापस अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने में, मैं भी, मेरे घर वाले भी, इनके घर वाले भी। आपने सपोर्ट की? तो सब ने सपोर्ट किया, और उसके बाद दोबारा फिर यही केस हुआ। सेकेंड टाइम फिर जब ये हुआ तो उस वक्त इन्हें काफी टाइम लगा। कितने अरसे बाद हुआ सेकेंड टाइम? तकरीबन 6-8 महीने के बाद दोबारा। ठीक है। इन्हें ये प्रॉब्लम हुआ था, तो उसको इन्होंने और ज्यादा सीरियस लिया, और काफी वक्त लिया नॉर्मल होने में, और उसे इन्होंने इस कदर अपने दिमाग पर तारी कर लिया कि ये हर वक्त उसी एक नुक्ते पर मरकूज होकर रह गई। ठीक। ये कोई और चीज सोचती ही नहीं थी। सही। ठीक। बहरहाल उस वक्त भी इनसे पूछ लीजिए, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत हिम्मत बंधाई। मुझसे पूछें, ये झूठ बोल रहे हैं सरासर। हम दोनों नजरियों पे बात करेंगे, तो पहले हम इनसे पूछ लेते हैं, फिर हम आपकी तरफ भी आएंगे। ठीक है जी। आपने सपोर्ट तो किया वहाँ पर, देखा आपने उनको सेकंड मिस कैरेज के बाद भी सपोर्ट की, फिर सपोर्ट किया, और मेरा फर्ज बनता था। मैं जानता था इनका कसूर नहीं है उसमें, यह कसूरवार नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने आप को कसूरवार जरूर बना लिया था। ठीक है, मतलब ये डिपेंड। फिर हमारी जिंदगी एक दफा फिर नॉर्मल हुई, लेकिन थर्ड टाइम जब ये केस हुआ तो ये अल्लाह की मर्जी है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें इनका कोई कसूर नहीं था। तो थर्ड टाइम जब ये हुआ तो उस वक्त बहुत ज्यादा इन्होंने सीरियस पे लिया, और यहाँ तक हुआ कि ये अपने आप को खुद भी नफ्सियाती कहने लगी कि लोग मुझे नफ्सियाती कोई नहीं। मिस कैरेज के बाद इनकी हालत और बिगड़ती रही, और ज्यादा बिगड़ गई। 3 मिस कैरेज हुए, 3 मिस कैरेज की हालत और इंटेंस हो गई। इन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। डिप्रेशन, ये घर वालों के साथ मिलके या मेरे साथ मिलके रहना पसंद ही नहीं करती थी, अपने कमरे में बंद कर लिया। सीधी बात करो, इन्हें उल्टी नजर आती है। अच्छा, इस दौरान मुझे एक बता दे, कथा कलामी की माफी चाहता हूँ, क्या आपने किसी माहिर नफ्सियात के पास ले गए कोई दवाई वगैरह दी इनको? मैंने नॉर्मल डॉक्टर्स को दिखाया है ना, लेकिन किसी स्पेशलिस्ट माहिर नफ्सियात को मेरा ख्याल है कि दिखाने की जरूरत नहीं थी। ये इनका अपना बनाया हुआ है कोई ऐसी। ये झूठ बोल रहे हैं, मैं कोई पागल नहीं हूँ, ये मुझे पागल करार देते हैं। ठीक है, ठीक है। आपको आपको आपकी भी हम बात सुनेंगे, आपकी पूरी बात सुनेंगे, जो आपकी शिकायत है पूरी हम सुनेंगे कि क्या शिकायत है बेसिकली आपको इनसे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको लगा कि इनके साथ कोई और सिर्फ बना बनाया जो भी इनके जहन के अंदर है,
और ये उसको रियल समझ रही है या उसके ऊपर मतलब उसकी वजह से इनको डिप्रेशन हो गया, यही आप समझते हैं? हर सीधी बात को उल्टा समझना, कोई अगर समझाने की कोशिश करता है तो उसको समझ, ये बात पहले नहीं थी ना आप, नहीं पहले नहीं, पहले नहीं थी। तीन ट्रॉमा से ये गुजरी है, तीन मरतबा एक ही ट्रॉमा जी। और एक औरत जो कि मां बनना चाहती हो, अगर उसका हमल जाये हो जाए तो उससे बड़ा ट्रॉमा उसके लिए कोई भी नहीं होता। और उसके बाद जहन के ऊपर इतना बुरा असर होता है, जो स्ट्रेस होता है उसको, उस स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पाती अक्सर खवातीन। तो इनको हमेशा मायरे नफ्सियात के पास ले जाते हैं कि जिनकी मदद से वो कोप अप करती है डिप्रेशन। अब हुआ ये कि ये डिप्रेशन मल्टीप्लाई होते होते जब तीसरी मरतबा ये सानिया उनके साथ हुआ तो वो डिप्रेशन बहुत ही क्रॉनिक और एक्यूट दोनों हो गया, यानी एक अलग लेवल, एक अलग लेवल चला गया जहां उसको अब मायूसी के अलावा कुछ और समझ में नहीं आता। यानी एक ऐसी एली के अंदर पहुंच गई है जहां खूब अंधेरा है, ये नहीं पता मैं आगे जाऊं पीछे जाऊं दाएं जाएं पीछे, देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन। चले कंटिन्यू। ये गायनेकोलॉजिस्ट को तो दिखाने को राजी नहीं होती, अगर मैं किसी माहिर नफ्सियात के पास लेके जाऊंगा तो ये फिर मेरे गले पड़ जाएगा। नॉर्मल डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे थे उस वक्त, उनके पास तो लेके जा रहे थे, लेकिन अब इन्हें अगर बोलते हैं आप भी इनके समझा के देख लीजिए, ये कभी नहीं मानी। ये कहती है मुझे आप नफ्सियाती समझते हैं, मुझे आप आज यहाँ किस वजह से, इस वजह से आए कि ये डॉक्टर्स के पास नहीं आती, अपने आपको नफ्सियाती समझती है कि या आप यहाँ इस वजह से आए कि कोई और इशू है आपके साथ? नहीं, बेसिकली तो इशू और है, दूसरी शादी करने का पूछते हम आपसे। अच्छा आप बताइए, मैं आपसे बेसिकली तभी आखिर में पूछूंगी कि आपको पीछे को इंटरप्ट ना करे, मैं आपसे आपकी पूरी बात सुनूंगी इसलिए कि आपको कोई इंटरप्ट ना करे, तो पहले हम इनकी बात सुन लें। जी असल इशू ये है कि हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद हो, ठीक, इन्हें माँ बनने की ख्वाहिश है, मुझे बाप बनने की ख्वाहिश नहीं है, सही, मैं भी चाहता हूँ ना कि मैं भी बाप बनूँ, मेरी भी कोई औलाद हो, मैं अपने माँ बाप का अकलौता हूँ, सही, मेरा दूसरा कोई भाई नहीं है, क्या मेरी नस्ल यहीं स्टॉप हो जाएगी? मैंने लव मैरिज की थी और अगर मैं इनको छोड़ना चाहता जैसा कि ये चाहती हैं तो मेरे लिए बहुत आसान था, डाइवोर्स करके दूसरी शादी कर। ये चाहती हैं कि आप इनको छोड़ दें? जी हाँ। इनका अच्छा। तो कहना ये है लेकिन मैं नहीं छोड़ना चाहता। अच्छा, आगे? क्योंकि मैं जानता हूँ ये बेकसूर हैं, बीमार हैं, इनको हेल्प की जरूरत है, लेकिन 15 साल मैंने वेट किया, 15 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है, दूसरी शादी करके ये हेल्प करना चाहते हैं मेरे साथ। 15 साल आपने वेट किया किस बात का? औलाद के होने का। नहीं तो औलाद का होना इसके इख्तियार में तो नहीं है। नहीं है बिल्कुल, मैं अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा अल्लाह की मर्जी है, बिल्कुल जब औलाद का होना अल्लाह की मर्जी है तो फिर इनके इख्तियार में तो है ही नहीं औलाद हो या ना हो। मैं अभी ये नहीं कहता कि इनके इख्तियार में है, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ मैं दूसरी शादी कर लूँ ताकि अगर ये माँ नहीं बन सकती तो उस सूरत में भी जो भी औलाद होगी अल्लाह ताला देगा, पता नहीं मेरे नसीब में है या नहीं है। ये बात मैं दुआ करता हूँ, ये बात आपने अच्छी कही है कि आपके नसीब में है नहीं है, मगर इसकी जिम्मेदारी ये नहीं है, जिम्मेदारी ये नहीं है। चले आगे चले, आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कोई जी गए थे? अच्छा, गायनेकोलॉजिस्ट से कुछ बताया कि ये कंसीव कर सकती हैं या कंसीव नहीं कर सकती है, जब भी कंसीव करेंगी इनका मिसकैरेज हो जाएगा? इस 15 साल के स्पैन के अंदर जो आपने वेट किया, इस वेट का आपको पता था कि आप क्यों वेट कर रहे हैं या यू न्यू अबाउट द होल सिचुएशन व्हाट हैपेंड? इसको आप कुछ भी समझ सकती हैं, हालात ऐसे थे कि उस वक्त इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कंटिन्यूअसली हमारे साथ फ्रीक्वेंटली ये वाकयात हुए। उसके बाद जब फाइनल रिपोर्ट जब डॉक्टर ने दी हमें तो वो सबसे बड़ा मुश्किल मरहला था। उस पे क्या हुआ? उस पे मुझे भी बहुत तकलीफ हुई, घर वालों को भी बहुत तकलीफ हुई, इसको भी हुई होगी, यकीनन हुई होगी। नेचुरली वो तो जब फाइनल डॉक्टर ने बताया कि जी इनके माँ बनने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है, ना होने के बराबर, ठीक, तो उसके बाद इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती चली गई, इन्होंने घर के माहौल को तबाह कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की इनको संभालने की लेकिन ये किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। आगे चले, बेसिकली आप ये तो सिचुएशन समझ में आती है कि जिस तकलीफ और ट्रेजेडी से गुजरी है शायद इसकी जगह कोई और हो, उसको वो भी इसी कैफियत में मुबतला हो, इसी मर्ज में और कर्ब में मुबतला हो, मगर यहाँ पे मुझे कुछ और समझ में नहीं आ रहा, बात कुछ और लग रही। अच्छा मिस्टर काशिफ, मैं जरा मतलब मैं इस बात को थोड़ा सा निकालने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे जो फील हो रहा है कि आप तो इनकी सिचुएशन को डिस्क्राइब करें। देखिए उसके शू में आप जाके बात नहीं कर सकते, ठीक है, पहली बात वो एक माँ है जो माँ बनने मतलब माँ बनना चाहती है, एक औरत है जो माँ बनना चाहती है और वो आपकी बीवी भी है, वो आपकी फैमिली को भी आगे बढ़ाना चाहती है, आपके खानदान को, आपके नाम को भी आगे बढ़ाना चाहती है, तो आप उसके शू में जाके उसका यानी कि उसको उसने ये फील किया ही होगा वो बीमार हो ही गई, वो डिप्रेशन में चली गई, ये बात ना करें। आप बताएं कि जब आपके ऊपर ये न्यूज टूटी कि ये अब माँ नहीं बन सकती, कितने साल हो गए उस न्यूज को टूटे हुए? तो बहुत खुश हुए इस बात से, तो बहुत खुश हुए, ठीक है। आपको कितने साल हुए? तकरीबन
शादी के 5-6 साल के बाद ये मतलब आपको 9 साल पहले पता चली ये न्यूज, 10 साल पहले, 10 साल पहले आपको पता चली मां नहीं बन सकती, यही हुआ ठीक है। तो 10 साल जब आपको पहले पता चला ये मां नहीं बन सकती, मेरी वाइफ मां नहीं बन सकती, तो 10 साल आपने अपनी मर्जी से वेट किया? हमने वेट नहीं किया, बल्कि इन्होंने अपनी बहन का बच्चा एक गोद ले लिया था। ठीक है। इन्होंने अपनी बहन का बच्चा, और मैं भी उसमें हैप्पी था कि चले ठीक है इनका दिल बहल जाएगा, लेकिन उस बच्चे को मैं अपना बेटा कह तो सकता हूँ, उसको अपना नाम नहीं दे सकता। क्यों नाम नहीं दे सकते? यही एक रूल है, उसकी विल्दिया चेंज नहीं हो सकती। ये कहें आपको कोई नहीं है। रूल तो नहीं है, रूल किसी का रूल तो कोई भी नहीं होता, रूल नहीं है, इंसान के बनाए हुए रूल है, रूल कोई नहीं। आप दे सकते हैं नाम अपना, आप नहीं देना चाहते ये एक अलग चीज है। नहीं, मैं देना चाहने की बात नहीं है, कोई भी बच्चा है उसको मैं अपना बेटा कह सकता हूँ, लेकिन उसका नाम मेरे नाम के साथ नहीं जोड़ सकता। ये बताइए आप, देखिए पहली तो बात ये कि आप अपना नाम जिसको भी देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है जी, ये आपका अपना कुल इख्तियार है। मुझे ये बताइए, कभी आपने उस बच्चे से मोहब्बत की है? कभी आपको महसूस हुआ है कि आपको उस बच्चे से मोहब्बत है? बेशक है, यही वजह है कि आज तकरीबन 10 साल का हो गया वो बच्चा। तो जिससे मोहब्बत हो उसको अपना नाम नहीं दे सकते आप? नहीं, नाम मकसद ये है कि इसलिए कि वो आपका खून नहीं है, उसका वालिद कोई और है। उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके पास पाला जाता है वो बच्चा, पालना और बात होती है। मेरे ख्याल में पैदा करने वाले से भी कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि पालने वाला जो है उसका मकाम बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है पालने वाले का मकाम। आप मुझे बताएं कि आज तो चले इनके साथ एक प्रॉब्लम है, ये मुझे एक बात बताओ, आई एम सॉरी, मैं अभी तक मुझे अंदर एक उलझन सी है। अच्छा, कि क्यों आए हैं ये? मेरे ख्याल में इशू ये नहीं, इशू कोई और है जो जिसपे आ नहीं रहे। चले आप इनके टाइम पूरा बताएं। डॉक्टर साहब, 15 साल मेरी शादी को हो गए, ठीक है, 15 साल में ये 3 दफा मेरे साथ हादसा हो चुका है। हादसा हो गया, ठीक है, मैं मेंटली तौर पे अपसेट हूँ, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मेरी एक औलाद चली गई, सही बात, और वो भी एक दफा नहीं 3 दफा। उसके इनको तो बस असल जो मसला है वो इनकी शादी का है। इन्होंने जो 15 साल पहले, उससे पहले की जो मोहब्बत थी वो आज इनके सामने फिर उभर कर आ गई है, फिर सामने आ गई है। अच्छा, क्यों? एक बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकते? जब उन लोगों ने, मेरी बहन ने अपनी औलाद को मेरे गोद में डाल दिया था कि ये अपना नाम नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते, सिर्फ इस वजह से कि इनका खून नहीं है। बिल्कुल सही बात, सही कह रही है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। और ये सारा सर इस टाइम इन्होंने जो मुझे पागल करार दिया है, यहाँ लाके ये समझाना चाहते हैं कि मैं पागल हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी पागल नहीं। 15 साल वाली मोहब्बत की जरा कहानी बता, नहीं तो नया ट्विस्ट आया है। यहाँ ये पूछिए, पहले से इनकी पहले मोहब्बत थी, ठीक है, ठीक है, लेकिन इनकी उनसे शादी नहीं हुई, ठीक, उसकी शादी कहीं और हो गई। लेकिन अभी वो कुछ अरसा पहले इनके ऑफिस में इनकी कुलीग बनकर आई है, ठीक है, और जब ये उनसे मिले इनके तो रवैये चेंज हो गए। सही। अच्छा, हमारी लव मैरिज हुई है, ठीक है, कहाँ गई मोहब्बत अब आपकी? कितनी दफा मोहब्बतें करेंगे आप? आपको एक बात बताऊं, मोहब्बत ही तो कायम है, जिसकी वजह से मैं मेरी बात रखना चाहता हूँ। आपको एक मैं नहीं रहना चाहता। आप मेरी बात, आप मेरी बात सुने, फर्दर हम किसी भी डिस्कशन में जाएं, उससे पहले आप पागल नहीं है। आपको यहाँ कोई भी ये प्रूफ करने के लिए लाया कि आप पागल हैं। आप बहुत, मतलब मेरे सामने आप बड़ी एक डिसेंट सी खातून बैठी हुई है, आप बिल्कुल बिल्कुल भी आप पागल नहीं है, और ना ही कोई आपको यहाँ आज प्रूफ करेगा कि आप पागल हैं। आपने बहुत अच्छे, मेरे शौहर प्रूफ करने के लिए लाए हैं, हम यहाँ बैठे हैं ना, हम नहीं होने देंगे प्रूफ। मैं आपसे सिर्फ, मैं आपने बल्कि बड़ी अच्छी चीज क्लियर कर दी कि आप तो यहाँ लाए थे कि जी मेरी बीवी के साथ ये इशू है, या मेरी बीवी इज डिप्रेस और वट एवर इट इज, बट ये जो इशू है 15 साल की मोहब्बत, नॉट 5 साल की, 15 साल की मोहब्बत जो अब उभरी है और जिससे आपको अब शादी करनी है, ये क्या माजरा है? इनका कहना है ना, आप मुझे बता दीजिए ना, आप बता दीजिए। अपना कहना बताया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर था कि हम एक मोहल्ले में रहते थे, बस वो जिस दिन से इन्हें पता चला है उस दिन से एक कयामत खड़ी कर दी। पता नहीं चला डॉक्टर साहब, रात रात भर देर से आना, इससे पहले तो आप नहीं काम करना छोड़ दे, उसके आने से पहले नहीं करते थे आप? अब तो आप फोन नहीं उठा रहे हैं भाई, आपको शॉपिंग मॉल में देखा जा रहा है, किस किसने नहीं देखा? देखा गया, घर वाले कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? देखा गया अपने घर वाले की मुखालफत के बावजूद इनके साथ शादी की? ऐसी कोई बात नहीं है, यही बात है मेरे ख्याल।